गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ यासमीन फ्रॉम CMIS। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी पार्ट टू। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? हिंदी पार्ट टू, अंधेरे का डर। लगभग सभी अनु को एक अच्छा बच्चा मानते थे। वह ऐसा था भी, पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब। पर अनु का एक रहस्य था, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में तो जाना दूर की बात, वो मध्यम रोशनी में भी जाने से घबराहट होने लगती। मम्मी पापा के कमरे और कुमकुम के कमरे के बीच अनूप का एक सुंदर हवादार कमरा था। फिर भी रात को सोने के लिए वह कुमकुम के कमरे में घुस आता था। कुमकुम को भैया से बड़ा चिढ़ होती, क्योंकि अनूप सारी रात एक बड़ा सा बल्ब जलाए रखता। अनूप को भी इस कमजोरी पर बड़ी बौखलाहट होती। वह खुद समझ नहीं पाता कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसे वो डर लगता। एक दोपहर कक्षा अध्यापिका कक्षा में आई और मेज पर बैठ गई। बिना बताए बच्चे जान गए कि आज कुछ खास बात है। बच्चों की उत्सुकता को समाप्त करने के लिए उन्होंने घोषणा की, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक पूरे 2 दिन और 2 रात की थी। हर किसी को पिकनिक पर जाने के जरूरी था। बच्चे तो खुशी के मारे उछल पड़े, किलकारियां भरने लगे और मारे उत्तेजना के मेज थपथपाने लगे। और पिकनिक तो ऐसा होता भी है कि अगर पिकनिक की बात सुन ले तो सारे बच्चे तो मत पूछो कितनी खुश हो जाते हैं। किंतु अनूप के पेट में मारो डर के मरोड़ उठने लगा। 2 दिन तो ठीक है, पर घर से 1 रात भी वे कैसे निकाल पाएगा? अनूप बड़ी दुविधा में फंस गया। रात को खाने की मेज पर अनूप का लटका हुआ मुंह देखकर पापा ने उसका कारण पूछा। पिकनिक की बात के साथ बिना रुके अनूप ने यह बात बता दी कि 2 दिन की मटरगश्ती करने के साथ वह घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए पापा उसके लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था करते। पापा सब जानते थे कि पिकनिक छोड़कर अनूप को पढ़ाई क्यों सूझ रही है। उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया, अनूप को जाना ही होगा। अनूप सोचने लगा, जंगल के अंधेरों में जो होगा सो होगा, सहपाठियों के सामने पोल खुल जाएगी सो अलग, बच्चों बड़ा होशियार बना फिरता। आखिर पिकनिक का दिन पहुंच गया। बच्चे खुशी खुशी बस में सवार हुए, गाते हंसते शोर मचाते सब चल पड़े। अनूप अपनी जगह पर ही सहमा दुबका बैठा रहा। झमाझम फॉल्स पहुंच कर उसने देखा कि जंगल के बीच में खुले हिस्से में 30-35 छोटे छोटे तंबू लगे हैं। यही उन सब रहने और सोने सोना था। अध्यापक ने बताया कि हर तंबू में 2 बच्चे रहेंगे, इसलिए सभी बच्चे अपना अपना साथी चुन ले। इस बार अनूप के सामने कोई दुविधा नहीं थी। उसने लपक कर अजीत को जा पकड़ा। अजीत विद्यालय का जूडो चैंपियन था। अनूप का साथी बनने के लिए अजीत ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। अनूप खुश था कि जूडो के साथ रात अंधेरे से निकलकर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके पास तो एक जूडो चैंपियन आ गया है, तो डरने की क्या बात है, अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात ठंडी थी। खाना खाने के बाद दोस्तों की हंसी ठिठोली में शामिल हुए ही बिना ही अनूप और अजीत बिस्तर में आ दुबके। अनूप इंतजार करता रहा कि अजीत अब रोशनी बंद करेगा। तब रोशनी बंद करेगा तभी एक खड़खड़ी फुसफुसाहट ने अनूप को चौंका उठा। अजीत उससे पूछ रहा था, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अनूप को अपना भेद खुलता सा लगा। अरे वाह, ये क्या देख रहा था? अजीत खुद थर थर कांप रहा था। अजीत ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। और एक आश्चर्य की बात हुई, अनूप ने खुद को यह कहते सुना कि अंधेरे से क्या डरना। अब वह स्लीपिंग बैग पड़े हटा उठ बैठा। यह तो अद्भुत था। अनूप को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अजीत को थपथपाकर कहा, एकदम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरा हाथ थाम लो और बेफिक्र होकर सो जाओ। अनूप का हाथ थामकर अजीत निश्चित हो गया। लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं
बता तो नहीं दोगे? अजीत ने पूछा। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे ऐसा ही एक पागल लड़का याद आ गया, अनूप ने अंधेरे में ताकते हुए कहा, लेकिन वह पुरानी बात है। तो वो बच्चे हमें निडर होकर रहना चाहिए। डर की वजह से हमें अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण अवसर को खो देते हैं। जब भी हमें डर लगे या हमारे डर करीब आए, उस डर पर हम लोग को आक्रमण कर उसे नष्ट कर देना चाहिए। कभी ऐसा तुम लोग को डर लगे कि अंधेरे में क्या है, जाएंगे क्या हो जाएगा, तो आप एक बार जाकर देखो कि क्या अंधेरे में क्या होता है। कुछ नहीं होता है अंधेरे में, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही डरने की बात है। तो हम लोग को अपने डर पे आक्रमण करके विजय प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस पाठ से क्या सीखा? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीवन में हम लोग को डर हो तो उस डर पे आक्रमण कर विजय प्राप्त करना चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या रहा बच्चों? आज का होमवर्क ये रहा कि आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को फिलअप करना है, पूरा करना, और ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को लिखने का अभ्यास करना। अनूप कैसा बच्चा था? अनूप पिकनिक पर जाने के लिए क्यों तैयार ना था? अनूप ने अजीत को ही साथी क्यों चुना? अजीत ने अनूप से क्या कहा? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक बार मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे अपनी पुस्तिका पे। अनूप कैसा बच्चा था? अनूप पिकनिक पर जाने के लिए क्यों तैयार ना था? अनूप ने अजीत को ही साथी क्यों चुना? अजीत ने अनूप से क्या कहा? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसे लिखने का अभ्यास करेंगे और शब्दार्थ को याद करेंगे।